हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी चुनाव क्लासेस। तो हम फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो स्पेशलाइजेशन में जो यूनिट नंबर 5th है तो उसको स्टार्ट किया है। तो उसका जो पहला टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद दूसरा उसका टॉपिक था फूड न्यूट्रिएंट हेल्थ एंड फिटनेस, तो उसके भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। तो फिफ्थ यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एंड प्रमोटिंग हेल्थ। ये थर्ड टॉपिक है यूनिट नंबर 5th का, जो स्पेशलाइजेशन में जो यूनिट नंबर 5th है उसका थर्ड टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है सीफाट, यानी कि एक्सचेंज गैसेस। जो गैस जो होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करता है, यही प्राइमरी फंक्शन होता है किसका, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। यानी कि कौन से हार्मोन्स जो होते हैं जो पेनक्रियास जो उनको हार्मोन जो होते हैं पेनक्रियास प्रोड्यूस करती है और वो क्या करते हैं ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी पार्ट, यानी कि ऑल ऑफ द एबो। सेलुलर फिजियोलॉजी भी होता है, ऑर्गन फिजियोलॉजी भी होता है, सिस्टमिक फिजियोलॉजी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डी ऑक्साइड इन द बॉडी। यानी कि क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, कि एक्सचेंज जो करता है ऑक्सीजन और कार्बन डी ऑक्साइड इन बॉडी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डी ऑक्साइड जो डी ऑक्साइड इन बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे अब्सॉर्प्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ पे ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होता है इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कैरी ऑक्सीजन। जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है रेड ब्लड सेल का वो होता है कैरिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डज फिजियोलॉजी स्टडी। फिजियोलॉजी होता है किस चीज़ की स्टडी करता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्वेश्चन बी पार्ट, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है फिजियोलॉजी।
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बी वर्ड इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मेटाबॉलिज्म मींस इन फिजियोलॉजिकल टर्म। फिजियोलॉजिकल टर्म में अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी पार्ट, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन इन बॉडी, एनर्जी के प्रोडक्शन और इसका यूटिलाइजेशन बॉडी में, इसका ये मतलब होता है फिजियोलॉजी, ये मेटाबॉलिज्म मीन इन फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट ब्रीथिंग एज वेल एज ब्लड प्रेशर, यानी कि कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है हार्ट बीट ब्रीथिंग और एज वेल एज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, मेडुला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डायलिसिस यूज पीपल विद द किडनी डिफेक्टिव विच इन्वॉल्व द प्रोसेस, यानी कि जो डायलिसिस जो मतलब लोग डायलिसिस करते हैं किस लिए, जो किडनी डिफेक्टिव होता है तो ये प्रोसेस जो होता है क्या बोलते हैं इसको, कौन सा प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच जूस इज सिक्रेटेड बाई पेनक्रियास दैट हेल्प इन द डाइजेशन, यानी कि पेनक्रियास होता है कौन सा जूस जो सिक्रेट करता है, जो हो जूस पेनक्रियास कौन सा जूस सिक्रेट करता है और हो जूस क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, यानी कि ऑल ऑफ द एबो, ट्राइप्सिन भी होता है, एमीलेप्स भी होता है, लिपास भी होता है, सभी जो होता है पेनक्रियास इनको सिक्रेट करती है, यानी कि ये पेनक्रियास से निकलते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केल्टन सिस्टम, स्केल्टन सिस्टम इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन जो है स्केल्टन का नहीं है, तो सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्शन, जो हड्डी होती है, हड्डी का जो ढांचा होता है तो ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन करता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है बी पार्ट क्या है, ब्लड सेल प्रोटेक्शन, यानी कि जो ब्लड सेल जो होते हैं, यानी कि ब्लड जो होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन कहाँ होती है, तो उनकी प्रोटेक्शन हड्डियों से होती है, यानी कि हड्डियों मतलब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो है नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, यानी कि जो हड्डी के स्ट्रक्चर छोटा है, हड्डियों का ढांचा होता है, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी टेम्परेचर, ये इसका फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट, यानी कि बॉडी जो हड्डियों का ढांचा है ये एक इसकी वजह से मतलब बॉडी की मूवमेंट होती है, और यानी कि ए पार्ट भी इसका फंक्शन है, बी भी इसका फंक्शन है, यानी कि ब्लड सेल जो है प्रोटेक्शन कहाँ से होते हैं, ये होते हैं, ये भी कहाँ से होते हैं, बोन्स से होते हैं, तो मूवमेंट जो होती है ये भी एक इसका, ये भी स्केल्टन यानी कि हड्डियों के ढांचे का फंक्शन है, हड्डियों की सपोर्ट से, हड्डियों के ढांचे के सपोर्ट से इंसान जो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, विच डाइटरी कंपोनेंट्स इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी पार्ट है, यानी कि क्या बोल रहा कि विच कौन सा ऐसा डाइटरी कंपोनेंट है जो किसके एसोसिएटेड है कि भाई इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि कौन सा ऐसा है जिससे क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज होता है इसका रिस्क इंक्रीज होता है, तो होता है रिफाइंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच लाइफ स्टाइल फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, यानी कि इनमें से कौन सा एक लाइफ स्टाइल फैक्टर है जो क्या करता है, जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट डालता है किस पे, ब्लड प्रेशर पे, तो इसका राइट आंसर है वो है एक और डाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विच सिस्टम इज कन्वर्टेड फूड वी ईट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक ए ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। यानी क्या बोल रहा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कन्वर्ट करता है फूड, जो फूड हम खाते हैं इसको कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सिंपल फॉर्म में, किस सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एनिमो एसिड और फैटी एसिड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या कहता है, इसोफेगस, तो ये भी होता है, नेक्स्ट स्टोमक, ये भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन तो ये भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये भी होता है, एनस तो ये भी होता है, यानी कि एफआर ऑल ऑफ दीज, सभी जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, जो प्रोसेस, द प्रोसेस होता है किसका, डाइजेशन का, तो कौन से पार्ट में होता है, जैसे इंजेक्शन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इजेक्शन और ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर है ई पार्ट, ऑल ऑफ दीज। इंजेक्शन होता है जब हम फूड को मतलब मुंह से लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। और डाइजेशन क्या होता है, जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, डाइजेशन के बाद इसको फूड को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो न्यूट्रिएंट मिनरल जो बॉडी की ज़रूरत होता है, ज़रूरत के लिए होती है, तो हम ऑब्जर्व कर देते हैं उसको। और जो रॉ मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम इजेक्शन यानी कि उसको एनस के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये सभी जो हैं पार्ट, ये क्या है, डाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि सभी डाइजेशन के प्रोसेस के पार्ट हैं, इसलिए ई पार्ट यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, यानी कि ये जो ऑब्जॉर्प्शन होता है एक किसी फूड सब्सटेंस का, तो मैक्सिमम कौन से पार्ट में होता है, तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। डिश आर फंक्शन यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन सा जो है फंक्शनल यूनिट है किसका, फूड एब्जॉर्प्शन का, यानी फूड को ऑब्जर्व करने का कौन सा बेसिक यूनिट है, तो उसका राइट आंसर है विली, यानी कि विली का, तो ये पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, यानी कि सबसे छोटा ब्लड सेल कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी पार्ट, यानी कि प्लेटलेट जो होता है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी इनमें से कौन सा ब्लड टाइप है जो यूनिवर्सल डोनर है, तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, कौन से पार्ट में जो गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, अल्वेलोई, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।